फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप टैली में अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे। सबसे पहले आप टैली ओपन कर लो। यहाँ पर आप क्रिएट कंपनी कर लो। आप देख रहे हैं ऊपर डायरेक्टरी आ रही है, यानी कि जो यहाँ पर पाथ लोकेशन है इसी जगह आपका डाटा सेव्ड होगा। जो भी आप एंट्रीज मारोगे टैली, यहाँ पर आप नेम पर अपने फार्म का नाम या अपना पर्सनल नेम से अगर बनाना चाहते हो वो एंटर कर लो। जैसे कि मैंने लिख देता हूँ, मैं एक बार मैंने ये डाल दिया, ठीक है, यहाँ ये सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी फार्म की एड्रेस डाल दो, मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया है। यहाँ पर आप अपनी कंट्री, स्टेट वगैरह डाल दो। यहाँ पर आप अपनी डिटेल दे दो, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ पर अगर आप यस कर देते हो तो आप जो भी एंट्रीज करोगे आपका डाटा ऑटोमेटिकली बैकअप लेते रहेगा टैली। अगर नहीं आप नो रखते हो तो आपको मैनुअली लेना होगा बैकअप। अगर आप यस करते तो बेटर ही रहेगा आपके लिए। उसके बाद यहाँ पर करेंसी है जो वो सही है अपनी जगह। यहाँ पर आप टैली में क्या मेंटेन करना चाहते हो, सिर्फ अकाउंट मेंटेन करना चाहते हो या इन्वेंट्री भी साथ में? इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक, यानी परचेज सेल को भी आप मेंटेन करना चाहते हो। अब ये डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर कि आपके काम में स्टॉक है या नहीं। कई लोग सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कितने पैसे लिए, कितने पैसे दिए वगैरह वगैरह। अगर आपके में परचेज सेल है तो आपको इन्वेंट्री करना बहुत सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी फाइनेंशियल ईयर डालोगे, जिस साल में आप स्टार्ट करो, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होती है फाइनेंशियल ईयर। तो आप अपनी यहाँ पर डाल दोगे, जैसे मैंने 1/4/2016 डाला है, आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो। जब भी आप मतलब स्टार्ट करो तब के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बुक्स बिगनिंग, आपने फाइनेंशियल ईयर तो ऊपर डाल दी कि आप किस फाइनेंशियल ईयर में टैली में मेंटेन करो अकाउंट्स, लेकिन आपकी बुक्स कब बिगनिंग हुई अगर उसी तारीख को ही है तो वो डाल लो। अदरवाइज़ अगर आप 6 महीने बाद, 2 महीने बाद या 10 दिन बाद से मेंटेन करना शुरू करो तो वो डेट डाल दो। यहाँ पर टैली वॉल्ट पासवर्ड, यहाँ पर ये पासवर्ड डालने पे क्या होगा कि आपकी कंपनी का नाम नहीं दिखाई देगा। अगर ये पासवर्ड आप डाल देते हो तो कंपनी का नेम नहीं दिखाई देगा आपको। मैं एक बार डाल भी देता हूँ, मैंने बहुत छोटा डाला है इसीलिए यहाँ पर स्ट्रेंथ इसका वीक आ रहा है पासवर्ड का। फिर रिपीट कर दिया। अगर मैं ये पासवर्ड नहीं डालता, सिर्फ ये पासवर्ड डालता जो यूज़र सिक्योरिटी कंट्रोल है, तो इसे ब्रेक करना बहुत आसान है। ये मैंने अपने चैनल में, जो इससे पहले मैंने चैनल बनाया था ऑनलाइन कंप्यूटर लर्निंग, उसमें ऑलरेडी सिखा रखा है कि आप के टैली में यूज़र सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड लगाया तो उसे आप कैसे ब्रेक करोगे। और उसकी लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है वीडियो के, आप जो मैंने अपना इंट्रोडक्शन का वीडियो बताया उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो वहाँ से जाकर वो देख सकते हो कि कैसे ब्रेक करना है। वो वीडियो मैं इस चैनल में फिर से दोबारा नहीं बताऊँगा। और टैली वॉल्ट पासवर्ड लगे रहने से क्या होगा कि इसे ब्रेक करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हर किसी के बस का नहीं, सिर्फ बहुत बड़े बड़े हैकर्स कर सकते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं होते हैं या ऐसा कोई पासवर्ड नहीं होता जिसे ब्रेक ना किया जा सके, लेकिन कम से कम अपनी सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा रखना तो हमारा फ़र्ज है ना, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी रख सके, तो इसीलिए उसे लगाना जरूरी है। उसके बाद आप यहाँ पर अगर ये लगाते हैं, जैसे कि मैं लगा के दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेटर नेम डाल दो, पासवर्ड यहाँ पर आप डाल दो जो डालना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आप टैली ऑडिट अगर यस करना चाहते हो करो, यानी कि टैली आपकी ऑडिट करेगी फीचर्स। उसके बाद यहाँ पर आप जो जैसे है रहने दो, इसका मतलब मैं बता देता हूँ कि आपकी करेंसी का सिंबल जो है वो वहाँ ऊपर में दिखाई दे रहा है, आपका इंडियन रुपीस है इसीलिए INR दिखाई दे रहा है। डेसिमल प्लेसेस में 2 अंक होते हैं इसीलिए 2 दिखाई दे रहा है वहाँ पर। उसके बाद सुफिक्स मैंने नो रखा है, यानी कि जैसे प्रीफिक्स और सुफिक्स होते हैं, एक होता है कि आपके अमाउंट के पहले रुपीज़ का कॉलम है, एक होता है अमाउंट के बाद है, तो मैंने वो नो रखा है अमाउंट के बाद वाला। यहाँ पर सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन, पैसा हम लोग का रुपीज़ से नीचे पैसा होता है।
यानी कि यहाँ पर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको जैसे है आपको वैसे ही करना है। अगर आपका काम मिलियंस में होता है, उससे नीचे काम ही नहीं होता है आपका, तो यहाँ पर आप यस कर दो, अदरवाइज सब नो रहने दो। उसके बाद यहाँ पर आप एक्सेप्ट करो, आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर देखो मुझसे वो पासवर्ड मांग रहा है, टेलीवॉल्ट का कंपनी का नाम नहीं दिखा रहा था। यहाँ जैसे मैंने वो पासवर्ड डाला तब कंपनी का नाम दिखाई देने लगा। तो यहाँ तक कि उसमें आपको अगर मान लो आप कहीं पर काम कर रहे हो जहाँ पर टेलीवॉल्ट का ज़्यादा आपको यूज़ कहाँ होता है, कहीं पर आप अकाउंट्स मेंटेन करो वहाँ पर 10-20 लोग और भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसी पीसी पे। तो अगर आपके पासवर्ड लगा हुआ है तो कोई भी जो आपका पासवर्ड ब्रेक करना भी चाहेगा तो उसे पहले ये तो पता चले कि आपका इसमें से अकाउंट्स है कौन सा, क्योंकि आपका तो नाम दिखाई देगा नहीं फर्म का। लेकिन इस पास अगर आप यूज़र सेक्योरिटी कंट्रोल लगाते हो तो इसमें आपका नाम भी दिखाई देगा, तो उसको सिर्फ उसमें से आपका चुनना है। उसके बाद उसे जो ब्रेक करने में टाइम लगे पासवर्ड, ऐसे तो उसे सिर्फ ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा आखिर आपका है कौन सा, इसलिए भी उसका यूज़ होता है। बाकी आप अपने आप को सिक्योर करने के लिए टैली वॉलेट पासवर्ड जरूर लगाएं अपनी टैली में, अगर आप टैली यूज़ करते हो तो। उसके बाद मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाला, आप देख सकते हैं कि मेरा पासवर्ड डालने के बाद अकाउंट क्रिएट हो रहा है। ऐसे ये वीडियो में जो मैंने बताया ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लगभग जो लोग टेली यूज़ करते हैं उन्हें आता ही है, लेकिन मैं ये नए यूज़र्स के लिए बताया है जो लोग टेली में आज तक जिन्होंने यूज़ नहीं किया टेली को या फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बताया। क्योंकि जब मैं टेली बताने जा रहा हूँ तो स्टेप वाइज स्टेप बताऊँगा, यानी कि शुरुआत में क्रिएट करने ही से बताऊँगा, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बताया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।